Okay, so we are now going to find out length of the stub. So length of the stub के लिए हम क्या टेक्निक यूज कर सकते हैं? लेंथ ऑफ स्टब के लिए मैं इस वक्त हमारा फोकस स्मिथ चार्ट टेक्निक के ऊपर है, लेकिन जिस तरह मैंने कहा था कि मैं एनालिटिकल मेथड को भी ब्रीफली टच करूंगा, पोजीशन ऑफ द स्टब के लिए तो मैंने एनालिटिकल मेथड की बात नहीं की, मैंने प्योरली स्मिथ चार्ट टेक्निक यूज की। लेकिन अब लेंथ ऑफ स्टब फाइंड करने के लिए मैं दोनों टेक्निक आपको बता देता हूँ कि स्मिथ चार्ट की मदद से आप लेंथ ऑफ स्टब कैसे फाइंड करेंगे, एज वेल एज एनालिटिकली अगर आपको एल फाइंड करना है वो आप कैसे फाइंड करेंगे। सो लेंथ के लिए ऑलरेडी हमें पता था कि हमने जो स्टब यूज करना है उसने कितने सस्सेप्टेंस प्रोवाइड करनी थी, माइनस जे 1.48। ओके, सो लेट मी ड्रॉ दिस सर्किट ताकि उसी के हिसाब से मैं इसको फिर एक्सप्लेन कर सकूं। हम शॉर्ट सर्किट स्टब यूज कर रहे थे। ओके, और यहाँ पे सिचुएशन ये थी कि मेरे पास है 1 plus J 1.48 और मैंने इस L को फाइंड करना है कि इस L को मैं कितना रखूं ताकि इस जगह पे जो स्टब मैंने लगाया हुआ है स्टब मुझे प्रोवाइड करे माइनस जे 1.48। ताकि ये प्लस जे 1.48 माइनस जे 1.48 के साथ कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, अब क्योंकि हम पहले जो मैंने मार्क भी किया था कि योर फोकस शुड बी कि इस वक्त हम जो सर्किट सॉल्व कर रहे हैं ये शंट कॉन्फ़िगरेशन वाला सर्किट है, सो हम एडमिटेंस मोड में ऑपरेट कर रहे हैं। लेंथ ऑफ स्टब के लिए मैं पहले स्मिथ चार्ट टेक्निक यूज करता हूँ। तो पहले हम ये देखें कि ये इसको हम ट्रीट करें, आप इस वक्त फोकस करें सिर्फ स्टब के ऊपर, ठीक है, बाकी सर्किट को आप भूल जाए। ये जो स्टब हमने लगाया हुआ है तो ये स्टब का लोड है जो कि शॉर्ट सर्किट है, ठीक है। तो अगर हमारे पास शंट कॉन्फ़िगरेशन में शॉर्ट सर्किट पॉइंट हो तो स्मिथ चार्ट के ऊपर कहाँ पे होता है जी? दिस इज नाउ अ क्वेश्चन फॉर यू पीपल। रिपीट, मैं क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर एक लोड है इसको आप लोड ट्रीट करें, एक लोड है जो कि शॉर्ट सर्किट है और शंट इट मीन्स कि ये जो लोड है इसकी एडमिटेंस जो है आपके पास इन टर्म्स ऑफ एडमिटेंस हम कह रहे हैं कि ये शॉर्ट सर्किट पॉइंट है। तो स्मिथ चार्ट को अगर आप रादर देन ट्रीटिंग इज एट्स इंपेडेंस स्मिथ चार्ट, इसको अगर आप एडमिटेंस स्मिथ चार्ट के तौर पर ट्रीट करें तो शॉर्ट सर्किट पॉइंट कहाँ पे होता है? सर हॉरिजॉन्टल होता है लेफ्ट साइड। हॉरिजॉन्टल होता है लेफ्ट साइड पे, सो राइट साइड। यू मीन के ये वाला पॉइंट, लेट मी, आप इस पॉइंट की बात कर रहे हैं जी? बाकी स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कहाँ पे होगा जी शॉर्ट सर्किट पॉइंट? राइट साइड। राइट साइड पे, यस दैट इज द करेक्ट आंसर। ये पॉइंट हो, ठीक है जी, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं सब? यस सर। This is short circuit. और क्योंकि admittance है तो sometime इसको आप इस तरीके से show करें तो it will make things clear कि आप बात कर रहे हैं why short circuit की। Why means के admittance. Okay, ये आपने
इस पर्टिकुलर शॉर्ट सर्किट के हिसाब से ये पॉइंट मार्क कर लिया, ठीक है। अब आप देखें कि आपने आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें एल फाइंड करना है ना। तो इस वक्त मैं यहाँ पे हूं, अब मैं फाइंड करूंगा कि मैं कितना आगे जाऊं विच इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू एल, ताकि मेरे पास जो ससेप्टेंस है वो -1 -J1.48। इसको आप ट्रीट करें कि ये आप मूव कर रहे हैं, ये आपका लोड है, इसका मतलब है कि आप लोड से टूवर्ड जनरेटर जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि दोबारा से हम कौन सा स्केल यूज करेंगे, वेवलेंथ टूवर्ड जनरेटर स्केल ही यूज करेंगे, विच मीन्स कि हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे। सो इस वक्त आप इस पॉइंट के ऊपर हैं, ठीक है। अगर आप VSWR सर्कल बनाएंगे तो ये सबसे आउटर मोस्ट सर्कल, इसको आप ट्रीट कर सकते हैं एज इफ कि ये आपका VSWR सर्कल है। तो सेम जो मैंने बात की थी कि मूवमेंट ऑन ट्रांसमिशन लाइन कॉरिस्पॉन्ड्स टू मूवमेंट ऑन VSWR सर्कल, इस वक्त हमारा VSWR सर्कल कौन सा वाला सर्कल है, ये वाला सर्कल, इसको आपको बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने कंपास को एक पॉइंट को यहाँ रखेंगे और इतने रेडियस तक करेंगे तो यही सर्कल आप बना रहे होंगे, ठीक है। मैं मूव कर रहा हूँ VSWR सर्कल के ऊपर, और मेरा गोल ये है कि मैंने किस पॉइंट तक पहुंचना है। मैं इसको दोबारा से मार्क कर लेता हूं। मेरा गोल है कि मैंने इस इम्पीडेंस, इस पॉइंट को, ठीक है। तो अगर आप देखें इस वक्त, अगर आप इस आउटर मोस्ट सर्कल के ऊपर मूव कर रहे हैं, तो यू ऑल नो के इस सर्कल के ऊपर जो वैल्यू है प्योरली इमेजिनरी है, रियल पार्ट तो उसका जीरो ही है। और यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है कि लेट्स से, मैं एग्जांपल के तौर पर अगर आप यहाँ पे रुक जाएं, किस जगह पे रुक जाएं, तो इस जगह पे इमेजिनरी पार्ट कितना है, इस जगह पे इमेजिनरी पार्ट कितना है, -2। लेकिन मैंने कहां तक पहुंचना है, मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, -J1.48। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि आपने इस सर्कल के ऊपर घूमते हुए आपने कहां पे रुक जाना है, जहां पे आपको ये वाली पॉइंट मिल जाए, जो कि रफली यहां पे कहीं होगा, पॉइंट फोर, यस यहां पे होगा ना। Yes, sir. ठीक हो गया, तो यहाँ पे आपने रुक जाना। So, इस मूवमेंट के दौरान में जब आप इस जगह से इस जगह तक पहुंचना चाह रहे थे, तो आपने इतनी गोल रखा हुआ था कि आपने उस जगह पे पहुंचना है जहां पे मुझे ये वैल्यू मिल जाए, तो ये वैल्यू मेरी मुझे यहाँ मिल गई, ठीक हो गया। अब जो आपने मूवमेंट की है, आपने मूवमेंट कहाँ से की है, अगर आप इसको देखें, ये कलर चेंज कर लेता हूं, सो इफेक्टिवली आप यहां से आपने स्टार्ट लिया और यहां पे आके आप रुके। अगेन ड्यू टू रेजोल्यूशन मैं इसको छोटा नहीं करूंगा, क्योंकि अदरवाइज सब मिस अलाइंड हो जाएगा। आप लोगों के पास जो स्मिथ चार्ट है, आप मुझे कोई एक्यूरेट वैल्यू बताएंगे। तो यहां से मूव करके जो मैं इस जगह पे आ गया हूं, तो इफेक्टिवली ये क्या चीज होगी, एल सर, ये आपके पास एल होगा। तो अब आपने मुझे बताना है कि ये एल कितना है आप लोगों के पास, 0.345। ये आपने पहले एक फाइंड कैसे करना है, पहले तो मुझे ये बताएं एग्जैक्ट वैल्यू से पहले क्या करना होगा आपको, एल कैसे फाइंड करेंगे। सर वेवलेंथ टूवर्ड जनरेटर स्केल पे जहां पर ये, यस, तो इफेक्टिवली जिस तरह हमने डिफाइन किया था, ये वही तरीका है कि आपने क्या करना है कि ये सबट्रैक्ट करना है। तो अगर मैं इस पॉइंट को कह देता हूं कि ये आपके पास x2 है, ये आपके पास x1 है, तो l आप कैसे फाइंड करेंगे, x2 -2 -1 फाइंड,
तो आप लोगों ने मुझे बताना है, अब मुझे आप आंसर बताएंगे जी, क्या आंसर आया रहा जी सबके पास, क्या लिखूं मैं? 0.0095 0.0095 95 95. एंड एज बिफोर, क्योंकि ये स्केल हम जो यूज कर रहे हैं वो कैलिब्रेटेड है इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, तो आप इसके साथ लैम्डा भी लिखेंगे जी. कैन एनीवन कंट्रडिक्ट जी जो आंसर बता रहे हैं, इसमें अगर कोई डिफरेंट आंसर आ रहा है तो मुझे बता दें. अगेन नॉट माइनर सर, फर्क तो हो सकता है, लेकिन अगर कोई बहुत ही डिफरेंस आ रहा है तो फिर आप मुझे बता दें. सेम है सर. सर इतना ही आ रहा है. इतना ही आ रहा है, ठीक. ओके सो यू कैन सी कि हमने स्मिथ चार्ट यूज करते हुए पहले हमने पोजीशन ऑफ द स्टब पॉइंट की कि स्टब को लगाना किधर है, और फिर स्टब की पोजीशन जब हमें पता चल गई फिर हमें ये फाइंड करना कि स्टब की लेंथ कितनी रखनी है, वो भी हमने स्मिथ चार्ट की मदद से फाइंड कर लिया कि अगर आप इतनी लेंथ का स्टब लगाएंगे तो आपका सर्किट जो है, सो एल की वैल्यू आपके पास है 0.095 लैम्ब्डा, ठीक हो गया. और स्टब को लगाना कितने डिस्टेंस के ऊपर है, 0.110 लैम्ब्डा. तो जो प्रॉब्लम हमें गिवन था मिसमैच प्रॉब्लम, उसको अगर हमने शॉर्ट सर्किटेड स्टब की मदद से सॉल्व करना हो तो हमें इतने डिस्टेंस के ऊपर और इतने लेंथ का स्टब रखना होगा. नाउ इसमें जो मैंने बात की थी, यस, एनालिटिकली अगर मैं स्मिथ चार्ट यूज नहीं करता और स्मिथ चार्ट यूज किए बगैर अगर मैं लेंथ फाइंड करना चाहूं तो वो कैसे हम करेंगे? क्योंकि हम इस वक्त शॉर्ट सर्किट स्टब यूज कर रहे थे तो मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. बट इवन अगर ओपन सर्किट स्टब भी यूज करना पड़ जाए तो ये जो टेक्निक है, ये जो मेथड है, वो सेम है. सो यू शुड फोकस ऑन द मेथड, नॉट द एग्जैक्ट एक्सप्रेशन. तो चेंज हो जाएंगी. वी ऑलरेडी नो कि ओपन सर्किट स्टब है, उसकी जो इम्पिडेंस था वो आपके पास था जे जेड नॉट टेंजेंट बीटा एल, और अगर ऊपर सर्किट स्टब था तो फिर आपके पास माइनस जे जेड नॉट कोटेंजेंट बीटा एल आ जाएगा. तो वो डिफरेंस तो अपनी जगह पे है. मैं इस वक्त शॉर्ट सर्किट स्टब की बात कर लेता हूँ कि अगर हमारे पास इस तरह शॉर्ट सर्किट स्टब हो, सो इसका जो इम्पिडेंस का जो बिहेवियर है वो हमने इस तरीके से मॉडल किया हुआ है, जे जेड नॉट टेंजेंट बीटा. इसको अगर आप नॉर्मलाइज कर लें, क्योंकि क्योंकि हम इसको रिलेट करना चाहते हैं कि हमने फाइंड किया हुआ है, हमारी रिक्वायरमेंट क्योंकि शॉर्ट सर्किट स्टब थी, और क्योंकि हमने शॉर्ट सर्किट स्टब शंट कनेक्शन में कन्वर्ट करना लगाना था, तो मैं इस वैल्यू को एडमिटेंस में कन्वर्ट करूंगा. लेकिन पहले इसको मैं नॉर्मलाइज भी कर लेता हूँ ताकि स्मिथ चार्ट के साथ इसको मैच कर सके. सो नॉर्मलाइज्ड वर्जन क्या हो जाएगा इस इक्वेशन का, इसको आप z नॉट पे डिवाइड कर लेंगे तो इसको मैं z डैश कह देता हूं, तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा. सो शॉर्ट सर्किट स्टब के जो इम्पिडेंस है, नॉर्मलाइज इम्पिडेंस है, वो इतनी होनी चाहिए, j टेंजेंट बीटा है. अगर इसकी इम्पिडेंस इतनी है तो एडमिटेंस कितनी हो जाएगी, इसको आप कह देंगे y डैश,
which will be simply equal to 1 over z dash. So it will be 1 over j tangent beta l ho jayega. Aur isko phir aap is form mein bhi likh sakte hain, minus j cotangent beta l ho jayega. Now, once you have this behavior, अब मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मेरे पास शॉर्ट सर्किट स्टब की नॉर्मलाइज्ड एडमिटेंस कितनी होगी, माइनस जे कोटेंजेंट बीटा है. ठीक है, दिस इज, लेट मी राइट इट डाउन, दिस इज नॉर्मलाइज्ड एडमिटेंस of short circuit stub. अभी जो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे उसमें हमने क्या फाइंड किया था कि स्टब ने कितना प्रोवाइड करना है. स्टब हैज टू प्रोवाइड माइनस जे 1.48. इसका मतलब है कि ये जो y डैश है, y डैश कितना होना चाहिए, माइनस जे 1.48 होना चाहिए. तो इस इक्वेशन में आप पुट करें माइनस जे 1.48 माइनस जे टेंजेंट बीटा. सो दिस विल कैंसिल आउट, सो यू एंड अप विद कोटेंजेंट बीटा एल इक्वल टू 1.48. या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि टेंजेंट बीटा एल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1.48. और आप कहेंगे बीटा एल इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1.48, कैलकुलेटर से आप निकाल लेंगे. हमारा फोकस है कि हमने एल फाइंड करना है, बट वी नो कि ये जो आपके पास बीटा है, बीटा किसके बराबर होता है, 2π बाय लैम्डा एल. लेट से मैं इस वक्त इसको सॉल्व नहीं कर रहा, मैं इसको अज्यूम कर रहा हूँ कि आप कैलकुलेटर से निकाल लेंगे, इससे कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी. लेट्स कॉल इट एक्स वन. ठीक है, टेंजेंट इनवर्स डिवाइडेड बाय 1.48, आपके पास कैलकुलेटर से कोई वैल्यू आ गई जिसको मैंने एक्स वन कहा. ठीक है, एल किसके बराबर होगा, एल आप कैसे फाइंड करेंगे, एल विल बी इक्वल टू एक्स वन लैम्डा डिवाइडेड बाय 2π. एक्स वन तो मैं तो एक्स वन कह रहा हूं, लेकिन ये कोई ना कोई नंबर होगा, उस नंबर को आप 2π पे डिवाइड कर लेंगे. एक्स वन विच इज विल बी सम नंबर डिवाइडेड बाय 2π विल बी सम कांस्टेंट नंबर इनटू वेवलेंथ. तो मेरे पास एनालिटिकल मेथड से जो आंसर आया था वो अगर आप देखें, हमारे पास रिजल्ट क्या आया था, जो हमने स्मिथ चार्ट की मदद से किया था, लेंथ ऑफ स्टब क्या आई थी हमारे पास, 0.110. नो, वो डिस्टेंस था मेरे ख्याल 0.0946. 0.095 आया था, ऐसे ही था ना. यस सर. सो अगर आपने जो स्मिथ चार्ट से आंसर आया था, तो ये x1 डिवाइडेड बाय 2π भी इसका मतलब है कि क्या आना चाहिए, 0.095 आना चाहिए. यस सर, आता है सर. ओके, सो इट मींस के एनालिटिकली जब आप l फाइंड करेंगे तो ये सेम टेक्निक आप यूज करके इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि स्मिथ चार्ट से जो आंसर आ रहा है एनालिटिकली भी आपके पास सेम आंसर आना चाहिए. क्लियर हो गया जी? यस सर. अच्छा, इसी प्रॉब्लम को मैं एग्जांपल जो हम सॉल्व कर रहे हैं, इसमें एक चीज और भी हमें डिस्कस करनी थी, वो ये थी
हमारे पास दो सॉल्यूशंस नॉर्मली होते हैं, ठीक है ना, दो सॉल्यूशंस। जिस तरह हमने एल नेटवर्क को सॉल्व किया था, ओके अगेन व्हेनेवर आई स्टॉप शेयरिंग स्मिथ चार्ट तो दोबारा से मुझे करना पड़ता है, आई डोंट नो। चले जी, इसका कोई टेक्निकल कोई रीजन होगा, दोबारा से मैं जब स्मिथ चार्ट को करूंगा तो दोबारा से ही मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। सो अगर आप देखें, मैं दोबारा से इसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। हमारा जो प्रॉब्लम था उसको मैं दोबारा से लिख लेता हूँ। हमारा लोड था जेड एल डैश इक्वल टू 1.2 माइनस जे 1.6, ठीक है, और इसको सबसे पहले हमने मार्क किया था इसमें चार्ट के ऊपर समवेयर ओवर हियर। आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, सो जस्ट वेट फॉर मी, मैं इसको कर लूं तो फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं। ओके, ये हमारे पास जेडल डैश था, और क्योंकि हमने स्टब को शंट कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट करना था तो हमने इसको 180 डिग्री पे शिफ्ट किया था। कॉरेस्पॉन्डिंग इसका जो एडमिटेंस वैल्यू थी 0.3 तक हम इसको ले गए थे। This one. ठीक है, ये हमारे पास वाई एल डैश आ गया था जो आप लोगों ने मुझे बताया था क्या था 0.3 प्लस 0.4 था, ओके। ये हमने किया था, फिर हमने वी एस डब्ल्यू आर सर्कल बनाया था क्योंकि हमने मूवमेंट करनी थी ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर, और मूवमेंट ऑन द ट्रांसमिशन लाइन कॉरेस्पॉन्ड्स टू मूवमेंट ऑन वी एस डब्ल्यू आर सर्कल। तो मैंने वी एस डब्ल्यू आर सर्कल बनाया था, ये आपके पास वी एस डब्ल्यू आर सर्कल आ गया था, ओके। और फिर हमने इसको यूज करके पहले तो डिफाइन किया था, हमने कहा था कि इस तरीके से मैं इसको रफ रफ कर रहा हूँ कि पहले हमने फाइंड किया था कि ये कितना था, और हम इसके ऊपर मूव करते हुए इस तरीके से आते हुए जहाँ पे हमें रियल पार्ट वन मिल रहा था, और रियल पार्ट कहाँ पे वन मिलेगा, जहाँ पे ये वी एस डब्ल्यू आर सर्कल इस सर्कल को क्रॉस करेगा, और इसी के बेस के ऊपर फिर हमने डी निकाल लिया था। सो हमने इस तरीके से इस पॉइंट, सो ये जो हमारे पास डिस्टेंस था यहाँ से लेकर यहाँ तक, इससे हम इसको यूज करके हमने डी निकाल लिया था जो हमारे पास था 0.110 लेंथ, ठीक हो गया। और फिर हमने कहा था कि जिस जगह हमने स्टब लगाना है वहां पे पोजीशन ये थी कि ये 1 प्लस जे 1.48 था, तो फिर हमने कहा कि इसका मतलब है कि जो जिस जगह पे जो हमने स्टब लगाना है उसने माइनस जे 1.48 प्रोवाइड करना है, और उसके बेस पे हमने फिर एल फाइंड कर लिया था। और एल मैंने आपको स्मिथ चार्ट टेक्निक भी बता दी थी और एनालिटिकल मेथड भी बता दिया था, बट देर इज अ पॉसिबिलिटी, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि हमारा जो पहले हम जो फाइंड कर चुके हैं उसको मैं फर्स्ट सॉल्यूशन का नाम दे देता हूँ, और उसमें हमारे पास रिजल्ट ये था कि आपको स्टब लगाना पड़ेगा इतने डिस्टेंस के ऊपर, और उसकी जो लेंथ आपको रखनी पड़ेगी वो 0.095 लैम्डा रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम एक और सॉल्यूशन भी फाइंड कर सकते हैं, और उसका फायदा हमें ये हो सकता है कि फर्स्ट सॉल्यूशन जो हमें मिल रहा है
उस पोजीशन पे स्टब लगाना पॉसिबल नहीं है, डिफिकल्ट है, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो लेंथ ऑफ स्टब हमारे पास आई है वो लेंथ जो है वी डोंट हैव दैट लेंथ ऑफ स्टब अवेलेबल. सो वी हैव अ चॉइस कि हो सकता है कि सेकंड सॉल्यूशन हम ज्यादा इजीली इंप्लीमेंट कर सके. तो ये हमें फायदा मिलेगा, लेकिन इसको हम फाइंड करेंगे पहले कि सेकंड सॉल्यूशन में डी कितना होगा और एल कितना होगा. तो पहले स्मिथ चार्ट की मदद से डी फाइंड करते हैं. पहले जो मैंने मूवमेंट की थी स्मिथ चार्ट के ऊपर, मैं यहां से मूव करके यहाँ पे आ गया था. ठीक है, अब अगर आप इस जगह पे ना रोके और आगे फॉरवर्ड करें, इस VSWR सर्कल के ऊपर आप आगे भी मूव करें, सो यू विल फाइंड आउट कि आपको एक और पॉइंट भी ऐसा मिलेगा जहां पे इम्पीडेंस का जो रियल पार्ट है वो 1 के बराबर होगा. आप लोग तो एग्जैक्ट सर्कल बना चुके हैं तो आप मुझे एग्जैक्ट वैल्यू बताएंगे. अगर आप देखें इस तरीके से मूव करते करते अगर आप देखें तो दोबारा से आप यहाँ पे इस जगह पे रुक जाएंगे, क्योंकि इस जगह पे अगर आप मुझे बताएं कि ये जो आपके पास ये वाला सर्कल है, रेजिस्टिव सर्कल जो कि सेंटर से पास हो रहा है, ये इस जगह पे दोबारा इसको भी यहाँ पे भी कट करेगा. आपने मुझे इसकी रीडिंग बता दी है जी. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू पीपल टू टेल मी कि ये VSWR सर्कल ये बॉटम पे जहाँ पे कट कर रहा है ये वैल्यू क्या है जी. One minus J, one point four. जी बाकी स्टूडेंट इसको जरा कंफर्म करें कि 1.4 1.5 सर 1.4 जी बाकी लोग 1.5 सर 1.5 1.4 बस इसका मैं एवरेज ले लेता हूं इसको. चले आप सब लोग जो बता रहे हैं ये सारे करेक्ट आंसर हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. मैं इसको टू बी वेरी एग्जैक्ट मैं इसको ले लेता हूँ. ये तकरीबन वही है जो कि पहले केस में था. ये सब ये केस को मैं माइनस 1.4 ऐड कह लेता हूँ. ठीक है, अगर आप इसको 1.5 के हिसाब से भी सॉल्व करेंगे वो भी ठीक होगा. ठीक है, मैं इसको टू बी वेरी मच एक्यूरेट रीडिंग में आपको बता रहा हूँ. सो इट मीन्स के हमारे पास जो सर्किट है मैं इसको यहाँ पे बना लेता हूँ. सो द लोड जो हमने कनेक्ट किया हुआ है, देर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमें एक और पॉइंट भी ऐसा मिल सकता है जहां पे हमें ये बिहेवियर मिले. क्या बिहेवियर मिले? जिसमें रियल पार्ट 1 के बराबर हो जाए, जिस तरह इस जगह पे रियल पार्ट 1 हो गया. ऑल वी नीड टू डू इज कि अगर हमने इस पॉइंट तक पहुंचना है तो ये कितना डिस्टेंस हमें करना कर, इन अदर वर्ड्स के सेकंड केस में डी की वैल्यू क्या होगी. सो सेम प्रोसीजर आप अडॉप्ट करेंगे जिस तरह पहले आपने फाइंड किया था. इफेक्टिवली आपने जो मूवमेंट की है वो कहाँ से की है? आपने स्टार्ट यहाँ से लिया, ऑफ कोर्स वही है. पहले हमने लोड से मूव किया था जिस तरह पहले किया था, तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट तो वही है जो कि पहले था. हमने यहाँ से मूव किया, लेकिन इस केस में हम कहाँ तक आ गए? हम यहाँ तक आ गए. मैं इसको थोड़ा सा, तो ये जो आपने मूवमेंट की है इस केस कहां से कहां तक की है आपने, आप इस जगह से, तो ये रीडिंग तो आप मुझे पहले भी बता चुके थे. ये कितनी रीडिंग थी? लोड 0.065. और इस वक्त आप यहां जो पहुंच गए ये रीडिंग क्या है जी? 0.3245. इसको मैं 5 कर लेता हूँ. Yes. Five. Okay. So you start it. Again, scale कौन सा यूज कर रहे हैं? WDG scale. So आप WDG scale पे इस जगह पे थे और इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आप यहाँ तक आ गए. तो इफेक्टिवली D कितना हो जाएगा?
0.325 माइनस 0.065 नहीं होगा 0.259 यस सो इसको मैं लिख लेता हूँ 0.260 लैम्डा. तो हम स्टब इस पोजीशन पे भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर इस पोजीशन पे हमें स्टब लगाएंगे तो उसकी लेंथ जो होगी ये नहीं होगी. अब उसकी लेंथ भी हमें चेंज करनी पड़ेगी. वो कैसे? जिस जगह हम स्टब लगा रहे हैं बेस्ड ऑन दिस कैलकुलेशन, इस पोजीशन पे हमारे पास जो एडमिटेंस का बिहेवियर है वो क्या है? रियल पार्ट 1 है और इमेजिनरी पार्ट कितना है? माइनस जे 1.4. तो जो स्टब हम लगाएंगे उस स्टब ने क्या प्रोवाइड करना है? J1.4. Yes, स्टब ने प्रोवाइड करना है प्लस J1.4. सो इसका मतलब है कि अब हमें ये फाइंड करना है कि इसकी लेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे. स्टब की लेंथ हमें कितनी रखनी है ताकि हमें वो कितनी सस्पेंस प्रोवाइड करे? प्लस J1.48. सो नाउ लेट मी राइट इट डाउन. स्टब हैज टू प्रोवाइड प्लस J1.48 सस्पेंस. नाउ इफ आई गिव यू सम टाइम, जो फर्स्ट सॉल्यूशन में तो मैंने आपको बता दिया था कि एल कैसे फाइंड करते हैं. सो इफ यू हैव अंडरस्टूड दैट मेथड, कैन यू टेल मी कि अगर स्टब ने इतनी ससेप्टेंस प्रोवाइड करनी है तो उसकी लेंथ क्या आएगी आपके पास? सो आई विल गिव यू 3 मिनट्स. तो कैन यू फाइंड आउट कि एल कितना होगा इस केस में? So, you people are telling me 3 possible answers. So, let's figure it out. किसमें से कौन सा आंसर ठीक है और जो जिन लोगों ने फाइंड किया है वो कैसे फाइंड किया है? So, स्मिथ चार्ट टेक्निक, अगेन आप लोगों ने जो आंसर बताया है कौन सी टेक्निक यूज करके बताया है? एनालिटिकल मेथड से किया है कि स्मिथ चार्ट से आपने किया? स्मिथ चार्ट सर. स्मिथ चार्ट से की. ओके तो हमने मैं इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि हमने पहले तो क्या किया है कि हमने शॉर्ट सर्किट स्टब यूज कर रहे थे. तो मेक श्योर कि इसको मैं इस तरह कर दूँ और फिर हमने शॉर्ट सर्किट पॉइंट मार्क किया था जिस तरह फर्स्ट सॉल्यूशन में किया था. ये वाला पॉइंट था, ऐसे ही था, ठीक हो गया. तो हमारा VSWR सर्कल था जिसके ऊपर हमने मूव करना था. वेवलेंथ टुवर्ड्स जनरेटर स्केल में हम मूव कर रहे थे और हमने मूव करना था अनटिल हम इस जगह पे आ जाए. तो अगर आप देखें ये आप जब इस बॉटम रीजन में जब आप मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे सारी वैल्यूज क्या है? नेगेटिव है ना, ऐसी है. इसका मतलब है कि आई हैव टू मूव यहाँ से. अब मैं पॉजिटिव रेंज में आ गया हूँ तो कहाँ पे जाके आप रुकेंगे? 1.48 था ना, तो 1.5 यहाँ पे आके. तो ये आपने ऑल यू नीड टू डू इज फाइंड आउट कि ये जो आपने इस जगह से इस जगह पे आए हैं ये मूवमेंट आपको इससे आपको आंसर जो आएगा वो जो लोग मुझे बता रहे थे कि 0.4 तो ये एक्चुअली ये करेक्ट आंसर है. और टू बी मोर एग्जैक्ट ये एक्चुअल जो आंसर है वो है 0.405. और क्योंकि ये अगेन जिस तरह मैंने कहा कि लैम्डा लिखना जरूरी है तो इस केस में ये आंसर आएगा. अब ये आपने फाइंड कैसे किया होगा? द रीजन इज इस जगह जहां से आपने स्टार्ट लिया हुआ है इसकी रीडिंग क्या है? What is the reading of wavelength towards generator scale? यहां पे कितनी रीडिंग है? ये रीडिंग क्या है? 0.25. ओके. और इसकी रीडिंग क्या है जहां पे आप रुक गए? ये कितनी है?
1.55. No. 0.156. 0.155. 55, yes. Now the question is कि x this minus this तो ये नहीं आ रहा है, ऐसी है ना, ये रीडिंग तो से कम है, तो ये आंसर कैसे आया?